So cool, right? Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Wait, let you name my habitat. And we got a stage like a laser tag. For the wish, bitch, you have a rich set. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपने वो वीडियो देखा प्रीव्यू में, तो वैसा वाला वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे देख लेंगे। चलो तो सबसे पहले वीडियो को लीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को लेगा और जहां पर हिट मारा है एग्जैक्टली उसी पॉइंट में वीडियो को पॉज करिएगा। वहाँ पॉज करके एक कट दे दीजिएगा। उसके बाद में जहाँ तक का वो ड्यूरेशन होगा, वो ड्यूरेशन तक जहाँ तक का वो ड्यूरेशन है वहाँ तक कट लेके उसको आप हटा दीजिए। और वहाँ पे साइड पे एक प्लस का ऑप्शन होगा, प्लस में जाके फ़ोटोज़ दबा के फ़ोटोज़ में से जो भी आपका अच्छा लगेगा जो वो फ़ोटो लगा लीजिए वहाँ पे। और पहले से आप जितना सेकंड का वो कट रखेंगे, वो कट का ड्यूरेशन हमेशा याद रखना, और जो ड्यूरेशन के हिसाब से उतने के हिसाब से वो फ़ोटो को साइज़ में रखना। और फ़ोटो को बाद में मिलाना है नहीं मिलाना वो आप बाद में देख सकते हो उसके बाद सेकेंड पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में वही सेम टू सेम वही करना है। सेकंड पार्ट में भी आपको जहाँ बॉल हिट होने वाला है एग्जैक्टली उसी पॉइंट में आपको वहाँ पे कट करना है। और जब तक वो जो ये क्रिकेट वाला है ना, तो क्रिकेट वाला पार्ट जहाँ तक कट होने वाला है वो कट कर दीजिए। तो एग्जैक्टली उसी उतना काटने के बाद जो सेकंड याद रखना और वो सेकंड में आप अपनी दूसरी फ़ोटो लगाइएगा। जैसे कि मैंने अभी ये लगा दिया, तो उसको जितना वो सेकंड था और आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा अपने साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद उसको वही सेकंड में उसको मिला दीजिएगा उतने में ही। देखो अब हाँ बढ़िया। अब थर्ड वीडियो के ऊपर आते हैं। थर्ड इसका थोड़ा छोटा है। जैसे हिट के जगह में आप वहाँ पे आप स्लैश कर दी ना और एक मार हाँ और अभी हाँ यहाँ पे हो गया। कट देने के बाद में इसको हटा देंगे, हटाने के बाद में और एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। कहाँ गया मिल गई, ऐड कर दिया। और उसको भी वही उतना ही जो टाइम ड्यूरेशन होगा पहले फिट कर लीजिए, उसके बाद जितना टाइम ड्यूरेशन है उतना टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा वहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसे ही। उसके बाद में ये लास्ट वाला शॉट है, हाँ जहाँ पे लगने वाला है वहाँ पे काट दीजिएगा। और उसके बाद कट करके ये एंडिंग वाला पार्ट भी हटा दीजिए। उसके बाद लास्ट फोटो अपना लगा लीजिए एक, जैसे कि लगा दिया मैंने, हाँ उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और सबसे पहले हाँ एडजस्ट करने के बाद में उसको उतना ही सेकंड में वहाँ कट दे दीजिएगा एक। एग्जैक्टली अब आते हैं ऑडियो तो आपको उसी से एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि हाँ क्योंकि आपको उसमें फोटो जहाँ ऐड करेंगे वहाँ पे ऑडियो गैप हो जाएगा, सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द वीडियो। तो हाँ ऐसे ही बढ़िया ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट में, जो हो गया आपका एनिमेशन वाला पॉइंट है। पहले सबसे पहले एनिमेशन जाएंगे, कॉम्बो जो स्टार्टिंग है दो तीन है आपकी मर्जी, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया अभी, इसी हिसाब से हर फोटोज़ में कोई भी एक इफ़ेक्ट लगा लेना। हाँ तीसरा लगा दिया, कोई भी अपनी मर्जी के ऊपर है। और चौथा फोटो में भी लगा दिया। तो ऐसे ही बनता है हमारा पूरा वीडियो। और आप अभी अपने अपने नए नए आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं और अब इस वीडियो को अच्छे से और बना सकते हो। मैं तो इसी ट्यूटोरियल के लिए दिया हुआ है और विश करता हूँ कि सब आपको समझ में आ गया होगा।